हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई जो है आप सब ने कंटिन्यू कर रखी तरीके से। आप सब अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में जो हमारी क्लास लास्ट क्लास जो हुई थी वो थी हमारी डायरेक्शन टेस्ट के ऊपर। और मैंने जैसे कि आप सबको बताया था कि हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उससे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी कि अगर हम इसको हिंदी में बोले तो रक्त संबंध। रक्त संबंध तो इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उस पर चले हम। उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक से उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसमें तीन चार टाइप से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जैसे कि मैन टू मैन यानी कि व्यक्ति टू व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध। एक तो क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। एक जो है आपको ये देखने को मिलेगा कि कोई तस्वीर जिसमें किसी व्यक्ति की फोटो दी हुई है, कोई व्यक्ति की फोटो है उसका किसी व्यक्ति से संबंध। और तीसरा जो है आपको कुछ भी कोड करके दे देगा, ये कुछ भी कोड करके दे देगा आपका। तो उस जो कोड है ना उसके बेसिस पे हमें फाइंड करना है, मतलब हमें पता लगाना है कि इस व्यक्ति का संबंध क्या है। इस तीन से चार तरह से आपके सामने इसके क्वेश्चन से जो आने वाले हैं। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे बढ़ते हैं और हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं उसके माध्यम से मैं आप सबको और बताने की कोशिश करता हूँ इसमें कि किस किस टाइप से आपके जो है क्वेश्चन। तो आइए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। रूबी और जूही बहनें हैं, कृष्णा जूही के पिता के पिता है। जो रूबी का इकलौता भाई है कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है। पढ़ लिया आप सबने क्वेश्चन, तो वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। और मैं भी आप सबके लिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन को करता हूँ। क्या दे रखा है इसने, रूबी और जूही बहनें हैं, रूबी और जूही क्या हो गई, ये बहनें हो गई। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट क्या है कि कृष्णा जूही के पिता के पिता है, मतलब या जूही और रूबी के पिता जाहिर सी बात है एक ही होंगे, तो कृष्णा कौन है इनके पिता के पिता। ये इसके पिता है और ये इसके पिता है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है वो कि रेशमा अरविंद की माँ है। हमें नहीं पता, यहाँ पे हम कोड कर लेते हैं कि रेशमा क्या है, अरविंद की माँ है। ठीक है, और अरविंद रोहित के पिता है जो रूबी का इकलौता भाई है। तो रूबी और जूही का इकलौता भाई कौन है, रोहित। रोहित के पिता कौन है, अरविंद। रोहित के पिता कौन है, अरविंद। तो जो रोहित के पिता है और रोहित इन दोनों का इकलौता भाई है, तो जो अरविंद है वो ये वो व्यक्ति होगा जो रूबी जूही और रोहित तीनों का पिता होगा। तो ये कौन हो गया हमारा, अरविंद। ये हो गया हमारा अरविंद। अब दोस्तों देखिए कि क्वेश्चन तो अपना इतने सॉल्व हो जाएगा क्योंकि उसने भी पूछा है कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है। ठीक है, पर हम यहाँ पे सीखने आए चूंकि, तो हम इस क्वेश्चन को पूरा ड्रॉ करेंगे।
तो उसमें क्या बोला है कि अरविंद की रेशमा अरविंद की माँ है, तो रेशमा अरविंद की माँ होगी, तो रेशमा कृष्णा की पत्नी होगी। रेशमा क्या होगी? कृष्णा की पत्नी। तो अब इसमें हमें बताना है कि कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है। तो जब भी आ जाएगी कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है, यानी से, तो मतलब जो व्यक्ति से, तो रोहित से लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हमें रोहित से कृष्णा का संबंध क्या है, कृष्णा क्या लगेगा रोहित का, तो कृष्णा क्या लगेगा रोहित का, पिता का पिता यानी दादा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सब लोग को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ो। सुजल एक्स की सास के पति वीर का इकलौता बेटा है, ठीक है। कशिश सुजल की पत्नी है। सुजल की केवल एक बहन है जिसका नाम विमरा है। एक्स का विमरा से क्या संबंध है, ठीक है। अब वही क्वेश्चन को पोज करो, वीडियो को पोज करो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। क्या दे रखा है? सूर्य की सास के पति वीर का इकलौता बेटा है, ये एक्स हो गया। इसका कोई पति, तो इसकी सास यानी इस व्यक्ति की मां, ठीक है, उसका इकलौता बेटा है। सुजल एक्स की सास के पति वीर, ये वीर, ये कौन हो गया हमारा वीर। ये इसका पति है, ठीक है, वीर का इकलौता बेटा है। ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों के बीच में भी कुछ ना कुछ संबंध होगा, या तो भाई भाई या भाई बहन हो, कुछ ना कुछ होंगे, ठीक। अब क्या दे रखा है? कशिश सुजल की पत्नी है, ये हो गई हमारी कशिश, ठीक है, सुजल की पत्नी। अब आगे स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि सुजल की केवल एक बहन है जिसका नाम विमरा है। तो दोस्तों जब ये एक्स की सास थी ये, और जब इसकी इकलौती ही बहन है ओनली, तो ये यहाँ जो व्यक्ति आएगा वो कौन हो जाएगा हमारा, विमरा हो जाएगी ये, जो इसकी तो पत्नी हो जाएगी और इसकी होगी नहीं होगी, हो जाएगी। तो अब क्या पूछ रहा है कि एक्स का विमरा से क्या संबंध है, विमरा से, तो एक्स जो है विमरा का क्या लगेगा, एक्स लगेगा विमरा का पति, जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ही पढ़ो। रोहित ने फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या संबंध है? वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। क्या बोला उसने? रोहित ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब हमें नहीं पता, मान लीजिए तस्वीर हो गई, इसमें कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये तस्वीर है और इसकी तरफ रोहित ने इशारा किया है, ठीक है, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी कि जो रोहित है इसके पिता, ठीक है, ये हो गया पुत्र। तो इसके पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा? रोहित ही होगा। तो रोहित का उस व्यक्ति से क्या मतलब, पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, मतलब ये व्यक्ति है ना, रोहित के पिता का इकलौता पुत्र कौन हो गया? रोहित। तो रोहित की पुत्री है ये व्यक्ति,
क्या है? पुत्री है, ठीक है, किसकी? रोहित की पुत्री है ये, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? तो रोहित का इस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है? तो रोहित क्या लगेगा इस फोटोग्राफ वाली लड़की का? अगर जब ये इसकी पुत्री है तो मतलब ये इसका पिता हुआ रोहित, तो रोहित क्या हो जाएगा इस तस्वीर वाली लड़की का पिता। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आउट। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप सब। अपनी माँ मेरी की इकलौती संतान है, आपके मामा क्रिस्टोफर मर्मिया के पति हैं, सोफी मर्मिया की इकलौती बहन है, जीनाथन सोफी की, आपकी माँ का जीनाथन से क्या संबंध? पढ़ लिया क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को जो है करने की कोशिश करो। यदि आप मेरी की इकलौती संतान, कोई भी व्यक्ति मान लीजिए, ये इसकी माँ का नाम क्या दिया हुआ है? मेरी। नाम दिया हुआ है मेरी, ठीक है, कि इकलौती संतान है, मतलब ये व्यक्ति जो है इकलौती संतान है, ठीक है। आपके मामा क्रिस्टोफर है, यानी इस व्यक्ति के मामा क्रिस्टोफर, ठीक है, भाई हो गया इसका, क्रिस्टोफर मर्मिया के पति है, ये आ गई हमारी मर्मिया, मर्मिया आ गई, ठीक है, पत्नी। क्लियर है यहां तक सबको? और ये क्या है? इकलौती बहन है इसकी, मर्मिया की। जीना था, जब अगर सोफी मर्मिया की इकलौती बहन है तो जो जीनाथन है वो सोफी की बहन का बेटा, यानी कि वो किसका बेटा है? मर्मिया का, क्योंकि इसकी इकलौती बहन नहीं ओनली मर्मिया है, तो जीनाथन किसका बेटा हो गया? मर्मिया का, ठीक है। आपकी माँ का जीनाथन से क्या संबंध है? मतलब जो इस व्यक्ति की मायना है मेरी, जीनाथन से क्या संबंध है? मतलब ये मेरी इसकी क्या लगेगी? तो आप सबको पता है कि मेरी का भाई कौन है? क्रिस्टोफर। और ये क्रिस्टोफर का बेटा यानी कि भाई का लड़का है, तो ये क्या लग जाएगी इसकी? जीनाथन की बुआ, यानी कि पिता की बहन, जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा है ना, कमेंट में आना करके बता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन ने कल तुम्हारी माँ के पिता रोते नातिन सुनीता से मिला था, राजू ने कहा कि उसकी माँ अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, राजू का सुनीता। अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन। सोहन ने राजू से कहा, कल मैं तुम्हारी माँ के पिता के इकलौती नातिन सुनीता से मिला था। ये राजू है, ठीक है। सोहन ने राजू से कहा कि मैं कल तुम्हारी माँ के पिता, यानी कि ये राजू की माँ के पिता, ठीक है, ये पिता हो गया, ये तो इसकी माँ हो गई, ये माँ के पिता हो गए, या ठीक है, इकलौती नातिन सुनीता से मिला था, ठीक है, ये सुनीता है, अपन सुनीता को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। सुनीता हो गई, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है? राजू ने कहा कि उसकी माँ अपने माता पिता की इकलौती संतान थी,
मतलब जब ये इसकी माँ इकलौती संतान थी और ये इनकी इकलौती नातिन है, तो जाहिर सी बात है कि ये इसी की पुत्री होगी। अगर ये इसके माता पिता की इकलौती संतान है और ये इनकी इकलौती नातिन है, तो ये इसकी पुत्री होगी, होगी कि नहीं होगी? तो जब ये इसकी पुत्री होगी तो आगे क्या बोल रहा है वो कि राजू का सुनीता से क्या संबंध है। तो राजू जो है क्या लगेगा सुनीता का, सुनीता से राजू का संबंध क्या है? तो राजू क्या लगेगा सुनीता का, राजू लगेगा भाई, ये हो जाएगा भाई हो जाएगा राजू किसका, सुनीता का। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजू का से क्या संबंध है, राजू सुनीता का भाई लगेगा। रमेश मोहित की माँ का ससुर है, मोहित विशाल का इकलौता भाई है, मोहित का रमेश से। वीडियो को वॉच करो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ठीक है, रमेश मोहित की माँ का ससुर है, ये मोहित हो गया, ये मोहित और ये कोई व्यक्ति है जो इसका पति है, और ये रमेश हो गया, ये जो इसका तो पिता है और इसका ससुर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। मोहित विशाल का इकलौता भाई है, मोहित क्या है विशाल का इकलौता भाई है, यानी कि विशाल और मोहित क्या हो गए, ये हो गए आपस में भाई। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, मोहित का रमेश से क्या संबंध है? तो मोहित क्या लगेगा रमेश का, मोहित का रमेश से क्या संबंध है, रमेश से पूछ रहा है। तो मोहित रमेश का क्या लगेगा, पुत्र का पुत्र लगेगा, यानी कि पोत्र लगेगा, पुत्र का पुत्र, जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। माता है मुन्नी सुमो की माता है, शाहिद इफजान के पिता है, मुन्नी इफजान की बुआ और उमरा की मौसी है, गज्जो का शाहिद से क्या संबंध है? वीडियो को करो, क्वेश्चन को जो है करने की करो। आओ क्वेश्चन करते हैं। गज्जो उमरो की माता है, ये गज्जो हो गई, उमरा की माता हो गई है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये हमारा। दूसरा क्या है, मुन्नी सुमो की माता है, ये मुन्नी हो गई, ये सुमो की माता हो गई। ठीक है, ठीक है, अब अगला, शाहिद हिफजान के पिता है, ये शाहिद है ना, ये क्या है, हिफजान अब आगे क्या दे रखा है, मुन्नी हिफजान की बुआ, अगर मुन्नी हिफजान की बुआ की बहन होगी अगर इसकी बुआ है, तो क्योंकि पिता की बहन को ही तो बुआ बोलते हैं। हिफजान की बुआ और उमरा की मौसी है, और अगर जब ये उमरा की मौसी है तो यानी कि ये दोनों बहन हैं आपस में, क्योंकि माता की बहन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मौसी बोलते हैं। तो ठीक है, यहां तक हमारा क्वेश्चन बन गया। अब वो पूछ रहा है आगे कि गज्जो का शाहिद से क्या संबंध है, शाहिद से संबंध बताना है हमें। तो गज्जो क्या लगेगी शाहिद की, गज्जो लग जाएगी शाहिद की
बहन, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आओ नेक्स्ट। अंजलि गीता से कैसे संबंधित है? ठीक है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। क्या बोला उसने? सितेश और सुरेश ममेरे भाई है, यानी कि ये सितेश हो गया हमारा और ये सुरेश हो गया। अब ममेरे भाई ये पर हमें नहीं पता कि कौन मामा का है, कौन बुआ का है, कौन क्या है। अब क्या बोल रहा है वो कि सुरेश की माता गीता की एक पुत्री समीक्षा है। सुरेश की माता कौन है? गीता माँ। इसकी एक पुत्री है, ठीक है, पुत्री। ठीक है, तो अंजलि है ये, अंजलि हो गई, ये समीक्षा की बुआ है। अगर जब ये अंजलि समीक्षा की बुआ है तो मतलब गीता का पति है, वो अंजलि का क्या है? भाई है, और गीता उसकी क्या है? पत्नी है। ठीक है, क्योंकि ये बुआ है मतलब यानी कि पिता की बहन है। ठीक है, अंजलि, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा कि अंजलि गीता से संबंधित है, गीता से, अंजलि गीता की क्या लगेगी? अंजलि गीता की क्या लगेगी? अंजलि गीता की पति की बहन, जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नहीं होगा, हो जाएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखो। सुप्रिया अखिल की बहन है, अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है? इतने इजी क्वेश्चन भी दे देते हैं कि एक स्टेटमेंट में पूरा क्वेश्चन कर दें। सुप्रिया अखिल की बहन है, सुप्रिया क्या हो गई? अखिल की बहन हो गई, यानी कि अखिल क्या हो गया? सुप्रिया का भाई हो गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो? अखिल के पिता की माँ, तो जो अखिल के पिता है और वो इनकी माँ है, सुप्रिया से कैसे संबंधित है? तो ये भी इसकी पुत्री है, तो जो पिता की माँ है वो क्या लगती है? हमारी दादी। तो सुप्रिया की क्या लगेगी? अखिल के पिता की माँ दादी लगेगी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आओ नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो इसको, करने की कोशिश करो। ते हुए नैना कहती है, वह मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है, वह किसकी ओर इशारा कर रही है? वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। क्या बोला उसने? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है, हमें नहीं पता, ये कोई तस्वीर मान लो, इसमें कोई व्यक्ति है। ठीक है, हो गया। अब नैना कहती है कि वह मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है, यानी कि नैना है। माँ की माँ को क्या बोलते हैं हम? माता की माता क्या होती है हमारी?
नानी, योगी माता की माता योगी नानी। मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है, यानी कि माँ का पुत्र, नानी का पुत्र, इसका भाई हो जाएगा ये, और इसका पुत्र हो जाएगा ये। ठीक है, इसका तो पुत्र हो गया और इसका भाई हो गया, ठीक है, और ये इसका पुत्र हो गया, हो गया, इसका तो पुत्र हो गया और इसका भाई हो गया, और ये व्यक्ति इसका पुत्र हो गया। तो अब आगे क्या बोल रही है, वह किसकी ओर इशारा कर रही है? तो नैना इस व्यक्ति की ओर इशारा कर रही थी, तो ये व्यक्ति क्या लगेगा इसका, ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, जब इसकी माँ है, यानी ये कौन हो गया, इसके मामा हो गई, तो ये मामा का बेटा हो जाएगा, यानी कि ममेरा भाई हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे ममेरा भाई भी कर लेना, ये क्या है, मेरा भाई लिखाओ तब भी उसका मतलब वही होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज तक जो थे हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे, और आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। तो अपनी पढ़ाई लिखाई निरंतर करते रहिए।